हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मोनस्टफ की एक और प्यारी सी वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक कंपैरिजन वीडियो है, और इसके अलावा ये एक गेम प्ले है छोटा सा, और इसमें थोड़ी बहुत मॉडिंग भी होगी। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख के आए हो, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे ओल्ड थार का न्यू थार के साथ कि किसमें कितना है दम, कि ओल्ड थार में ज्यादा दम है या न्यू थार में ज्यादा दम। तो चलो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए अब मैं मेन्यू ट्रेनर को ओपन करता हूं सबसे पहले, क्योंकि हमें वो व्हीकल्स स्पॉन करने हैं। लेकिन व्हीकल्स को स्पॉन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले स्पॉन ही कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से व्हीकल ऑप्शन में जाके स्पॉन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इन्हें एंटिटी में भी ऐड करना है, तो हम डायरेक्टली स्पॉन करेंगे ऑब्जेक्ट स्पॉनर के थ्रू। तो स्पॉन एंटिटी इनटू वर्ल्ड व्हीकल, और एसयूवी में आ जाएंगे हम लोग, और यहाँ से स्पॉन करेंगे पहले तो न्यू थार, इसके बाद हम लोग उस तरफ फेस करके ओल्ड थार को स्पॉन करेंगे। तो हमारी जो थार है वो तो स्पोन हो चुकी है, और अब मैं एक बार मैनो ट्रेनर को बंद करता हूँ और थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। मेरे हिसाब से ये सही लोकेशन है, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक मार्क। तो मैं फिर से आ जाऊँगा मैनेज एंटिटी इनटू डेटाबेस, और सबसे पहले मैं स्पोन करूंगा दो और चीजें। तो स्पोन एंटिटी पैड स्टोरी मॉडल, और मैं एक माइकल को स्पोन करूंगा, ताकि जो हमारा कंपैरिजन है वो एक जेन्युइन कंपैरिजन बन सके, क्योंकि इन तीनों ही प्लेयर्स की जो ड्राइविंग स्किल है वो अलग अलग है। तो हम लोगों ने माइकल को स्पोन कर लिया है, बैक जाते हैं, और अब हम आ जाएंगे मैनेज एंटिटी इनटू डेटाबेस में। माइकल को सिलेक्ट करेंगे और इसे टास्क देंगे हम लोग, ऐड न्यू टास्क। तो सबसे पहले तो हम इसे टास्क देंगे एंटर व्हीकल, और एंटर व्हीकल में हम लोग ड्राइवर की सीट को सिलेक्ट करेंगे और न्यू थार को सिलेक्ट करेंगे। और अब हम लोग इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 सेकंड सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड न्यू, और अब हम करेंगे ड्राइव टू पोजीशन। और सबसे पहले तो मैं पोजीशन करूँगा यहाँ पे, जहाँ पे प्लेयर खड़ा है, हम खड़े हैं, माइकल खड़ा है, यहीं पे हम पोजीशन लगा देंगे। और स्पीड हम कर देंगे अवॉइड ट्रैफिक, कर देंगे ड्राइविंग का स्टाइल, और स्पीड हम कर देंगे कम से कम 500। इस तरफ ओल्ड है, तो ओल्ड है तो हम लोग ओल्ड को ही सिलेक्ट करेंगे, न्यू उस तरफ है। तो अब हम बैक करते हैं इसको, और पहले हम जाते हैं अपने व्हीकल के पास, यानी कि अपनी न्यू थार के पास, तभी तो पता चलेगा ना। और अब मैं इसके स्टेटस को भी ओपन कर देता हूँ ऑन कर। जैसे ही मैं स्टेटस को ऑन करूंगा तो आप लोग पीछे देख सकते हो, माइकल दौड़ के आएगा और अपनी व्हीकल में बैठ जाएगा। अरे यार, 1 सेकंड। हम लोगों ने इसे ज्वाइंट तो किया ही नहीं। तो अब मैं एक बार फिर से जाऊंगा मैनेज एंटिटी इनटू डेटाबेस, मैं फिर से एंटिटी इनटू डेटाबेस में जाऊंगा, माइकल को सिलेक्ट करूंगा, इसका टास्क सीक्वेंस में कर दूंगा बंद, और अब मैं बैक जाऊंगा। और अब हमें जरूरत पड़ेगी विंच मोड की, तो मैं मैंने इन्हें अब ज्वाइंट कर दिया है, और अब मैं एक बार आगे ले आता हूँ इसको।
और उसके बाद मैं स्टेटस को ऑन करूंगा। अब मैं स्टेटस को करता हूँ ऑन, और जैसे ही मैं स्टेटस को ऑन करूंगा तो माइकल चल के आएगा इसके पास, दौड़ के आ रहा है और ये बैठ चुका है। तो अब हम देखते हैं कौन से व्हीकल में कितना दम है। तो हमारी जो नई थार है वो पुरानी थार को खींच पा रही है, लेकिन मुझे लगता है हमें एक बार रुकना चाहिए। और अब हम लोग देखते हैं, तो भाई साहब नई थार के तो फिल्टर फट चुके हैं और दम तो पुरानी थार में ही है। आप लोग देख सकते हो कि हम पूरा जोर लगा रहे हैं, उसके बाद ये बहुत धीरे धीरे आ रही है। तो गाइज ये जो व्हीकल है दोनों, ये आपको मेरी जो वीडियो है, या फिर आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, वहाँ पे पोस्ट है इंडियन व्हीकल्स की, उस पोस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन व्हीकल्स को डाउनलोड कर सकते हो। और विंच बोर्ड को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में लिंक है उस वीडियो का, आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना। और इसके अलावा मैनू ट्रेनर की ज़रूरत पड़ी है तो मैनू ट्रेनर के इंस्टॉलेशन की भी वीडियो मेरे चैनल पे है। यानी कि इस वीडियो में हमने जिन जिन चीज़ों का यूज किया है उन सभी की वीडियोस ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगी और मेरे चैनल पे तो मिल ही जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।